पुलिस नामा देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ प्रवीण कोमल, तुहाडा दोस्त, तुहाडा होस्ट। पेशन खास खबरां। पटियाला पुलिस के साइबर क्राइम सैल की टीम और थाना त्रिपड़ी ने कीनिया के दो विदेशी विद्यार्थियों का गुम होया मोबाइल फोन लभ के उन्होंने सौंपया। एस एस पी पटियाला श्री वर्म शर्मा ने जदों ये मोबाइल फोन कीनिया के विद्यार्थियों सौंपया तो उन्होंने खुशी की इंतहा नहीं रही। उन्होंने खास तौर के उत्ते पटियाला पुलिस का धन्यवाद किया कि उन्होंने एक बहुमुला जो डाटा सी जी उन्होंने उन्होंने कामकाज के सिलसिले के जरूरत सी वो लभ के पटियाला पुलिस ने उन्होंने उत्ते बहुत बड़ा एहसान किया। कि पटियाला पुलिस का जो साइबर हेल्प डेस्क है वो एक बहुत कॉम्पिटेंट इफेक्टिव यूनिट है। उहदे च असी पिछले कुछ समय च ही जिहड़े लोकी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुंदे उन्हां दा लखां रुपया भी वापस कराया। ये भी अज एक बड़ी शलाघा जो कारगुजारी इन्हां दी हैगी है। कीनिया दे रहण वाले साढ़े दो NRI भरा ने इन्हां दा मोबाइल जिहड़ा आ मिनी सैक्रेटेरिएट च मिसप्लेस हो गया सी, किसे काम आए सी। उत्ते टेक्निकल टीम जिहड़ी आ साडी उन्होंने बड़ी मेहनत नाल उहदा IMEI सर्च वगैरह करके ते अज इन्हां दा मोबाइल इन्हां नूं वापस कीता। ये भी बहुत खुश ने क्योंकि वेखिए वैसे गल तो छोटी आ पर जे अपना भी किसी का मोबाइल कदी मिसप्लेस हो जाए तो बंदे नूं बहुत महसूस हुंदा क्योंकि हरेक प्रकार का परसनल डेटा हुंदा है। ते इस करके मैं पटियाला साइबर हेल्प डेस्क दी ते SHO त्रिपड़ी दी शलाघा जो कारगुजारी जिहड़ी आ उहदी मैं शलाघा करदा ते इन्हां नूं अज असीं इन्हां दा मोबाइल जिहड़ा आ कीनिया दे रहण वाले ने दोनों इन्हां दा मोबाइल वापस। एक्चुअली व्हेन आई लॉस्ट द फोन आई वाज सो स्ट्रेस्ड बट आई एम हैप्पी टुडे आई हैव गॉटन इट। थैंक यू वेरी मच एंड आई कमेंट योर वर्क। थैंक यू वेरी मच। गुरदासपुर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों बारे जागरूकता फैलाउण लई स्कूलां विच ट्रैफिक जागरूकता सैमीनार करवाए अते स्कूल प्रबंधकां नूं अपील कीती कि उह विद्यार्थियों नूं ट्रैफिक नियमों बारे जागरूक करन अते जदों तक वो लाइसेंस नहीं ले लैंदे उदों तक वाहन ना चलाउण। पटियाला पुलिस ने जाली करंसी छापण ते वेचण वाले गिरोह दा पर्दाफाश करदिआं गिरोह दे 3 मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया है। उन्हां दे कब्जे चों 500 रुपए दे 1600 जाली नोट बरामद होए हन जिन्हां दी कुल कीमत 8 लाख रुपए बनती है। नशियां विरुद्ध कारवाई नूं उस वेले लोकां दा वड्डा सहयोग मिलिआ जदों पिंड खरौड़ी दी पंचायत ने पिंड नूं नशा मुक्त पिंड ऐलानिआ अते नशियां विरुद्ध जंग छेड़न लई पंजाब पुलिस दा धन्नवाद करदे होए SSP फतेहगढ़ साहब दी अगवाई वाली पुलिस टीम नूं सिरोपाओ दे के सन्मानित कीता गिआ। पुलिस कमिश्नर लुधियाणा श्री मनदीप सिंह सिद्धू अते होर पुलिस अधिकारियों ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विरासती अजायब घर दा दौरा करन लई समां कढ के इतिहास प्रति अपने प्यार अते सत्कार दा प्रदर्शन कीता। संगरूर पुलिस ने शहरां विच आम लोगों नूं डरा धमका के फिरौती मंगण ते गैंगवार करन दे आदी होण दे नाल नाल नाजायज़ हथियारों की तस्करी करने वाले 3 अधिकारियों को गिरफ़्तार करके 2 देसी पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद किए हैं। SAS नगर पुलिस ने एक मुलजम को गिरफ़्तार करके उसके कब्जे के विच्चों 2 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत फतेहगढ़ साहब पुलिस ने 2 शक्की व्यक्तियों को गिरफ़्तार करके 720 गोलियां नशीलियां बरामद कीतियां। इस संबंधी थाना मंडी गोविंदगढ़ विखे संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मानसा पुलिस ने माड़े तत्तां की आवाजाई रोकण ते अमन कानून की स्थिति बरकरार रखने के लिए झुग्गी झौंपड़ी वाले खेतरां विच विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया है। PPMMS अते सांझ स्टाफ ने पिंड कैलाशपुर सुजानपुर विखे एक जागरूकता सैमीनार करवाया जिस दे विच बुजुर्गों किराएदारा की तस्दीक नशाखोरी हैल्पलाइन 181 112 1098 महिला हैल्प डेस्क दे कम करन बारे जागरूक भी किया गया। कपूरथला पुलिस वालों विदेशों में चलाए जा रहे फिरौती काल गैंग का पर्दाफाश करदिआं 8 दोषियों गिरफ़्तार करके उन्होंने कोलों एक कार टाटा सफारी 2 मोटरसाइकिल 1 रिवॉल्वर 32 बोरदा 6 जिंदा रौंद अते एक देसी पिस्तौल जिदे नाल 4 राउंड जिहड़े जिंदा सी ओह बरामद कीते हन।
ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਤਾਰਾ ਨੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 1 ਸਕੂਟੀ, 9 ਮੋਬਾਈਲ, 1 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੈਮਰਾ, 3 ਬੈਟਰੀਆਂ, 3 ਕੈਮਰਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ 3 ਪਰਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। SSP ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸਤੂਰਬਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੋ ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰਾਂ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਉਰਫ ਗੋਲੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 379 ਅਧੀਨ FIR ਨੰਬਰ 27 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NDPC ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸਨਾਮਾ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਹੱਲ। ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।